मुंगेर में अपराधी हुए बेलगाम। अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सह आईटीसी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजफर शमशी को मारी गोली। मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। गोली लगने से बुरी तरह से घायल प्रोफेसर अजफर शमशी को मुंगेर सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति गंभीर देख बेहतर इलाज के लिए पटना किया रेफर। मुंगेर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अजफर शमशी को कासिम बाजार थाना क्षेत्र के जेआरएस कॉलेज परिसर में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से वे बुरी तरह से घायल हो गए। उनके चालक मोहम्मद अनवर उर्फ नन्हू ने स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए मुंगेर में सदर अस्पताल लाया। मुंगेर जमालपुर पथ पर सफियाबाद हवाई अड्डा के सामने स्थित जेआरएस कॉलेज रोज की तरह गए थे, जहां पर कुछ अपराधी पहले से ही घात लगाकर इनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर कॉलेज की तरफ बढ़े ही थे कि अपराधियों ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें गोली मारकर मौका वारदात पर से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में जेआरएस कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल ललन सिंह को इस मामले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर अजफर शमशी जेआरएस कॉलेज के प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत हैं और आईटीसी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। इनका घर तोपखाना बाजार में है। उनकी स्थिति गंभीर है। इलाज कर रहे डॉक्टर रमन ने बताया कि इन्हें दो गोली लगी है, एक सिर के पीछे तथा एक पेट में लगी है। उनकी स्थिति गंभीर है। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए पटना रेफर कर दिया। उनके सर के पीछे गोली फंसी हुई है। मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि शमशी का विवाद कॉलेज के एक्टिव प्रिंसिपल ललन सिंह के साथ दो दिन पूर्व ही हुआ था, जिसमें प्रिंसिपल ने शमशी को जान मारने की धमकी भी दी थी। आज उन पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले के बारे में बताया जा रहा है कि 3-4 अज्ञात युवक टेम्पो से आए और उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। ये तकरीबन 12 बजे हम लोगों को सूचना आया था, जमालपुर कॉलेज है जमालपुर में, कि वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर अफजल शमशी करके, जैसे वो कॉलेज कैंपस के अंदर अपने चैम्बर की तरफ जा रहे थे, गाड़ी से उतरे थे, तो इनके कहने के मुताबिक लगभग 2-3 लड़के थे जिन्होंने उनके ऊपर गोली चलाया और जो गोली है इनके कान के पीछे लगा है और अभी इनका इलाज चल रहा है और इनका बयान लिया गया है। तो जो कॉलेज के एक और प्रोफेसर हैं और इंचार्ज भी हैं ललन प्रसाद सिंह करके, उनके साथ कॉलेज के हैंडओवर टेक ओवर को लेकर विवाद चल रहा था, उसी में ही आरोप लगाया है कि गोली चला है मेरे ऊपर और उनको हम लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब उनकी पूछताछ की जाएगी और आगे का पूरा मामला है उसका अनुसंधान किया सर। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? तीन लोग बता रहे हैं, उनमें से ललन प्रसाद सिंह गिरफ्तार हो गया है, बाकी दो का नाम नहीं जान रहे हैं। नहीं, अभी तो वो स्टेबल है जी। लेकिन दो गोली लगी है, एक गोली जो है वो बाएं कान के पीछे फंसी हुई है हड्डी में जी। और दूसरी गोली संभावना है कि पेट में लगी है, तो अभी उनको सीटी स्कैन पेट के अल्ट्रासाउंड के लिए और एक्सरे एब्डोमेन के लिए भेजा जा रहा है। सर मुंगेर में इसका इलाज संभव है? ये निर्भर करता है कि गोली कहाँ पे है, निकालने लायक है कि नहीं। अभी होश में है सर? अभी होश में है, बातचीत कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। 11 बजे निकलते हैं वहाँ, 11:30 वहाँ बैठ गए। कहाँ गए थे? कॉलेज, जमालपुर कॉलेज। अरे क्या हुआ तो वहाँ पे? क्या वहाँ पर बहुत से लड़का लोग स्टूडेंट लोग था बहुत से, तो सर उतर के गया अपनी गाड़ी घुमा दी। हम गाड़ी घुमाने के लिए जैसे मुँह करवे किए, दो फायर हुआ तो भगदड़ हो गया। बहुत से लड़का लोग भागा तो सर अशोक पोदार उधर से आए, सर गिरे में, सर गिरे में, सर गिरे में, सब मिलकर उठा करके। अशोक पोदार कौन है? प्रोफेसर है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया? हम दोनों मिलकर के गाड़ी में उनको उठाए। अरे आस्ते, हम ठीक है सर, बोलते रहे हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आस्ते चलो गाड़ी लेकर, आस्ते चलो गाड़ी। तीन आदमी मिलकर हम लोग गाड़ी में उनको लेकर के सीधा सदर अस्पताल आए। कॉलेज से कितना डिस्टेंस पे ये घटना घटा? गेट के हम समझते 10-15 हाथ पीछे। हाँ, तो ये जो कितने लोग थे? लोग तो 15-20 लोग थे। कोई पहचान नहीं? किसी को हमने पहचान पाया, स्टूडेंट लोग तो रहता ही है। कहा जाता है कि टोटो वाला बात है कि टोटो पे चार लोग थे, चार युवक था, ऐसा कुछ है? टोटो नहीं, टोटो पे चार युवक को नहीं देखा। टोटो वहाँ लगी हुई, खाली लगी हुई थी। ना टोटो का ड्राइवर था, सिर्फ टोटो लगी हुई थी। तो ये जो घटना घटा है कॉलेज घुसने के क्रम में हुआ? घुसने के क्रम में हुआ। कॉलेज घुस गए थे वो और हम गाड़ी घुमा रहे थे रोज की तरह, जैसे घुसते हम गाड़ी घुमाते हैं, हमको बोल के आते गाड़ी घुमा कर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अनवर उर्फ नन्हू। क्या है उसके? शमशी जी के कौन है आप? हम ड्राइवर हैं उनके।
May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया बिहार का प्रीमियर रेजिडेंशियल स्कूल CBSE अफिलेटेड ISO 9001 सर्टिफाइड प्लस टू लेवल बॉयज स्कूल प्लस टू साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org